वेल माई डर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज रजिस्ट्र पावर एंड फंक्शन तो सेक्शन फोर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है तो इसमें कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए से ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट करेगी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस को और वो असिस्ट होगा बाय वन और मोर ज्वाइंट रजिस्ट्रार्स तो यहां पे ऑफिशियल गैजेट में उसकी नोटिफिकेशन होनी है गवर्नमेंट ने करनी है तो ऑफिशियल गैजेट किसे कहते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ट्रेड यूनियन क्या होती है क्योंकि उसने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है तो ये ट्रेड यूनियंस जो होती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन होता है या एम्प्लॉयर्स होता है जो किस वास्ते इकट्ठे होते हैं ताकि कलेक्टिव बारगेनिंग कर सकें और अपनी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को बेहतर कर सकें और किन के साथ ये निगोशिएट करते हैं ये एम्प्लॉयर्स के साथ निगोशिएट करते हैं अब डिस्कस करते हैं कि क्या पावर्स हैं रजिस्ट्रार की उसके क्या फंक्शंस हैं जो पहला रजिस्ट्रार का फंक्शन जो है वो ये है कि वो ये रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करता है और इस जिमन में जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करता है इसका दूसरा फंक्शन ये है कि टू लॉज और ऑथराइज एनी पर्सन टू लॉज कंप्लेंट्स विद द कमीशन फॉर एक्शन इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयर्स वर्कर्स और अदर पर्सन फॉर एनी अलैज ऑफेंस कि इसके पास ये राइट है कि वो लॉज करे या ऑथराइज करे किसी बंदे को कि लॉज करवाएं कंप्लेंट्स विद द कमीशन यानी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के प्रोसिक्यूशन करें किसी ट्रेड यूनियन को प्रोसिक्यूशन क्या होती है ये हम आगे बताते हैं एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स को या दूसरे लोगों को जिन्होंने कोई अलजड ऑफेंस किया है अलज से मुराद ये है कि किसी को एक्यूज करना कि आपने वायलेशन ऑफ लॉ की है से मुराद ये है कि येट टू बी प्रूव्ड, तो ये बेसिकली शुरुआत होती है किसी ट्रायल की तो अलज्ड ऑफेंस नैचुरली वो लॉ की किसी प्रोविजन के अगेंस्ट ही होगा कि आप लॉ की प्रोविजन है और उसके आप अगेंस्ट गए हैं तो इसलिए वहां पर जो प्रोसिक्यूशन है उसको इनिशिएट किया जाएगा प्रोसिक्यूशन क्या होती है प्रोसिक्यूशन इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ होल्डिंग अ ट्रायल अगेंस्ट अ पर्सन हु इज अक्यूज ऑफ अ क्राइम टू सी इफ दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट जो नेक्स्ट फंक्शन है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन का वो ये है कि इसकी ये ड्यूटी है कि वो डिटर्मिनेशन करे क्वेश्चन एज टू विच वन ऑफ द ट्रेड यूनियंस इन एन एस्टेब्लिशमेंट और एन इंडस्ट्रीज इन टाइटल टू बी सर्टिफाइड एज द कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट तो कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट डिक्लेयर करने का काम भी वो जो, जो है वो रजिस्ट्रार के जुमरे में आता है उसकी पावर्स के जुमरे में आता है नेक्स्ट जो इसकी फंक्शन है वो ये है टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस और इन्वेस्टिगेट और होल्ड सच इंक्वायरी इन द अफेयर ऑफ द ट्रेड यूनियंस एज ही डीम्स फिट ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम एंड टू ऑथोराइज हिम इन राइटिंग इन दिस बिहाफ माई डियर स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन डीट